और दूसरे को कहा जाता है सीक्वेंशियल सर्किट ठीक कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें जो आउटपुट होता है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है ठीक लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट को बनाने के लिए हमें इस टाइप के कॉम्बिनेशनल सर्किट की जरूरत पड़ती है जैसे ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में एक और एलिमेंट फीडबैक में कनेक्ट कर दिया जाता है ये हमने एक एलिमेंट कनेक्ट किया इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में ठीक तो जब कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में एक एलिमेंट फीडबैक में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस पूरी एक कंप्लीट अप्रोच को इस पूरे कंप्लीट डिजाइन को कहते हैं सिक्वेंसियल सर्किट ओके सो व्हाट इज द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिक्वेंसियल सर्किट Sequential circuits are those which is used. Uh, uh, sequential circuit are those which is made by using a feedback path with the combinational circuit. Okay. In the sequential circuit, the output is not only depends on the present input, but it also depends on the past output. अब मूरे एंड मिले मसीन साइकिल जानने से पहले हमें इस मेमोरी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अब ये मेमोरी होती क्या है मेमोरी एक मेमोरी जनरेट करने के लिए या मेमोरी एलिमेंट बनाने के लिए हमें एक डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है एक एलिमेंट का यूज़ करना होता है जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप ठीक है अगर एक बिट की मेमोरी एक बिट की मेमोरी हमें बनाना है तो हमें एक फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना पड़ेगा जैसा यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं हमने एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया तो यहाँ पे जो हमारी मेमोरी बनी वो हमारी वन बिट की मेमोरी बनी ठीक है नाओ अगर हमको एक से ज़्यादा बिट स्टोर करना है तो हमें एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लिप्लॉप को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है तब हमारी मल्टी मल्टी बिट की मेमोरी बनेगी क्लियर बात जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी तीन बिट की एक मेमोरी है बात यहाँ तक सभी को क्लियर अच्छा नाव जब हम कोई भी हम लोग मेमोरी एलिमेंट को जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्लॉक पल्स देना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये जो आप लोगों के यहाँ दिख रहा है दिख रहा है ये हमारी एक क्लॉक पल्स है ये क्लॉक पल्स हमें किसी भी फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करने के लिए देना होता है ठीक लेकिन जब एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप हमारे सर्किट में मेमोरी में, में कनेक्ट होंगे तो सभी की सभी की जो भी क्लॉक पल्स है वो हम कॉमन कर देते हैं और एक साथ क्लॉक पल्स देते हैं उसे तो इस टाइप की जो अप्रोच होती है जिसमें हम सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स देते हैं इसको कहा जाता है सिंक्रोनस अप्रोच ठीक है तो अगर हमारे सिक्वेंसल सर्किट में अगर हमारे इस सिक्वेंसल सर्किट की मेमोरी में एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट हैं और उन सभी में जो भी हमारी क्लॉक पल्स है वो काम कॉमन है तो इस टाइप के जो भी हमारे सर्किट हैं उनको कहा जाता है सिंक्रोनस सिक्वेंसल सर्किट याद रहेगा ठीक है तो जो भी हमारे सिक्वेंसल सिंक्रोनस सर्किट होते हैं उनको दो टाइप से डिजाइन किया जाता है एक होता है यूजिंग मीले मॉडल एक होता है यूजिंग मूरे मॉडल नाउ वट इज and मॉडल एंड Mure इज मूरे मॉडल इन the मॉडल द आउटपुट इज नॉट on the ऑन द but स्टेट बट इट on the ऑन uh, इट also डिपेंड ऑन द प्रेजेंट इनपुट ठीक मैं यहां पे लिख रहा हूं आप देखिएगा इसमें जो भी हमारा आउटपुट होता है मिले में वो किस पे किस पे डिपेंड करता है वो हमारा पी एस पे दैट मीन प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है साथ ही साथ वो हमारा प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है मैंने यहाँ पे इसको पी आई लिख दिया पी एस एंड पी आई ठीक है अब ये होता क्या है देखिए जैसे जब हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप बनाए हैं और इस फ्लिप फ्लॉप को जब एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ में कनेक्ट किए हैं तो हमारा एक सिक्वेंसल सर्किट बना ठीक है अब इस मेमोरी के आउटपुट को हमको लेने के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस मेमोरी का ही आउटपुट जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे आ, मुरे मॉडल जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया आप नीचे वाले सर्किट पर देखेंगे अगर जो भी हमारा मेमोरी का जो आउटपुट है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉम्बिनेसल सर्किट के अंदर जा रहा है आउटपुट के कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर जा रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे मूरे मॉडल लेकिन अगर आउटपुट में जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है अगर उसमें मेमोरी के साथ साथ इनपुट भी इंटर कर रहा है तो इस टाइप की डिज़ाइन अप्रोच को हम लोग कहेंगे मीले मॉडल क्लियर है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा कोई भी सिंक्रोनस सिक्वेंसल सर्किट बनाने के लिए मेमोरी के साथ में इनपुट साइड में भी कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए आउटपुट साइड में भी कॉम्बिनेशनल चाहिए सर्किट चाहिए अब कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब आप लोग यहाँ पे गेट से समझ सकते हैं ठीक है मेमोरी मतलब फ्लिप फ्लॉप के पहले भी गेट लगा होगा फ्लिप फ्लॉप के बाद में भी गेट लगा होगा ठीक है अगर जो भी हमारा डिज़ाइन है डिज़ाइन कुछ ऐसी बन रही है कि जो भी हमारा इनपुट है उसको डायरेक्टली आउटपुट के जो गेट है उसमें प्रोवाइड किया गया है साथ ही फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को भी गेट में प्रोवाइड किया गया है तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग कहते हैं मीले मॉडल

क्वेश्चन जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि हमें इस डायग्राम के लिए इस सिंक्रोनस सिक्वेंसल सर्किट के लिए इस सिंक्रोनस सिक्वेंसल सर्किट के लिए स्टेट टेबल बनाना, बनाना है ठीक है इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि दिस वन इज द डिजाइन एंड फॉर दिस डिजाइन वी हैव टू मेक द स्टेट टेबल एज वेल एज स्टेट डायग्राम ठीक तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों के तो आप लोगों को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आप लोग स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे मैंने मैंसन किया है सबसे पहले इस डिज़ाइन को देख इस डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको, आपको आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट को देखना है ठीक है इस नीचे की तरफ देख नीचे वाले गेट को देखना है यहाँ पे आपने देखा कि जो भी आउटपुट है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है एक आउटपुट आ रहा है यहाँ से क्यू बी से दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे एक आउटपुट जो हमारे गेट में इंटर कर रहा है वो आ रहा है क्यू ए बार से और एक इनपुट जो यहाँ पे इंटर कर रहा है वो आ रहा है हमारा एक्स बार से सबको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर क्लियर ठीक है तो अगर मैं सिर्फ इस सर्किट को एक्सट्रैक्ट करूँ इस आउटपुट गेट को एक्सट्रैक्ट करूं तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि जो हमारा एक इनपुट है वो हमारा क्यू ए बार से आ रहा है एक आ रहा है क्यू बी से और एक आ रहा है एक्स से सो हियर आउटपुट इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्लॉप्स आउटपुट बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट क्लियर बात तो इसलिए इस मॉडल को डिजाइन करने के लिए हमें मीले मॉडल का यूज करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक तो सबसे पहले अप्रोच हमारी यही है बेटा कि हमको यह पता करना है कि विच मॉडल फॉर इनपुट जैसे यहाँ पे दो फ्लॉप्स हैं दो फ्लिप हैं और दोनों फ्लॉप हैं तो दोनों के टोटल कितने तो इनपुट हो गए चार इनपुट हो गए जे ए के ए जेबी के बी टू क्या हो गया जे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बी इनपुट यहां से है और एक्स इनपुट यहां से आया है और ये हमारा गेट तो एक्स प्लस बी ठीक है जे इक्वल्स टू क्या हो गया आपका एक्स प्लस बी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर नाउ अगर मैं जे के ए की बात करूँ तो के इक्वल्स टू डायरेक्ट आप लोगों को ए दिख रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे सर्किट में भी देख सकते हैं के इक्वल्स टू ए ठीक अब ऊपर से आप लोगों को जे भी देखना है नाउ जे बी इक्वल्स टू दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज ए बार सो ए बार इंटू एक्स इक्वल्स टू जे बी सेम एज सेम एज बी सेम एज इक्वल्स टू के बी

कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके दोनों के नेक्स्ट स्टेट के लिए इक्वेशन निकालना है ठीक है तो अगर मैं पहले फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो वहां पे जे ए मतलब जे तो जे इक्वल टू ए हो जाएगा के मतलब के ए हो जाएगा सेम एज क्यू क्यू एन मतलब क्युण ए या फिर हम उसको ए बोल सकते हैं ऐसा मैंने क्यों लिखा है आप अपने सर्किट में देखिएगा यहाँ पे जैसे क्यू ए है इसके आउटपुट को हम ए मेंसन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू ए बार के आउटपुट को हम लोग ए बार मेंसन कर रहे हैं सेम एज जैसे क्यू बी को हम लोग बी मैंसन कर रहे हैं क्यू बी बार को बी बार मेंसन कर रहे हैं ठीक है तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्यू एन इक्वल क्यू ए इक्वल टू डायरेक्ट ए आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं ठीक है तो जो भी आपके फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की ये सारी वैल्यूज हैं आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फीड कर देंगे जैसे यहाँ पे किया गया है दिख रहा है आप लोगों को जे की जगह जे ए क्यू एन की जगह ए बार और यहाँ पे के की जगह के uh, की जगह के ए और क्यू एन की जगह ए है ना जो सारी वैल्यूज यहाँ पे फीड अप किया गया है तो आपको यहाँ पे ए के लिए नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन मिल गया है क्लियर बात है तक सभी को वैसे ही जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में आप जे की जगह जे बी के की जगह के बी वैसे ही क्यू एन और क्यू uh, एन बार दोनों के लिए आप लोग वैल्यूज निकाल लेंगे और उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब फीट करेंगे तो आपको क्यू बी प्लस वन के लिए वैल्यू मिल जाएगी नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर वाई इसके लिए आप लोग फिर से अपने डायग्राम की तरफ देखिए जो मेन डायग्राम है यहाँ पे देखिए एक आउटपुट आया है आपका एक इनपुट आया है बी से एक आया है ए बार से एक आया है एक आया है ए बार से और एक आया है एक्स से तो हमारा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स ए बार इंटू बी एक्स ए बार इंटू बी तो यहाँ से आपको वाई इक्वल्स टू मिल गया होगा एक्स ए बार इंटू बी क्लियर बात है यहाँ तक सभी को ठीक नाउ बाय यूजिंग दीस थ्री इक्वेशन दैट इज नेक्स्ट स्टेट का बी नेक्स्ट स्टेट का ए और वाई इनका यूज करके इनका यूज़ करके आपको नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करना है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लियर बात है अच्छा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखे होंगे कि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो दो आउटपुट्स आएंगे अब क्योंकि दो आउटपुट्स हैं तो दो आउटपुट से टोटल चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब चार नेक्स्ट स्टेट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं है ना तो जब चार नेक्स्ट स्टेट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो चारों कॉम्बिनेशन को हम लोग जब इस इक्वेशन में फीड करेंगे तो चारों आ, चारों अगर चार प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं तो चारों प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन को जब इस इक्वेशन में फीड करेंगे तो चारों नेक्स्ट स्टेट के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे क्योंकि क्यू ए प्लस वन इस ए के लिए तो नेक्स्ट कंडीशन ही हुई है ना तो हम एक एक करके जैसे जीरो ज़ीरो को सबसे पहले हम लोग जीरो को ए की प्रेजेंट स्टेट मानेंगे इस ज़ीरो को बी की प्रेजेंट स्टेट मानेंगे और यहाँ पे ए की जगह और बी की जगह फिट करते जाएंगे और हमको वैसे क्यू ए प्लस वन मिल जाएगा ठीक है वैसे ही फिर हम लोग जीर, जीरो ए की जगह ज़ीरो रख देंगे बी की जगह वन रख देंगे और फिर से इस इक्वेशन में फिट करेंगे तो हमको फिर से ए के लिए नेक्स्ट कंडीशन मिल जाएगी क्लियर फिर वैसे वन जीरो को हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में फिट करेंगे ए के लिए नेक्स्ट कंडीशन मिल जाएगी वैसे इसमें वन वन को ए और बी की जगह फिट करेंगे तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन मिल जाएगी क्लियर बात यहाँ तक सभी को सबसे पहले हम एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो एज्यूम किए ठीक ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नीचे किया हुआ है आप लोग चेक कीजिएगा वन वी पुट ए इक्वल्स टू जीरो बी इक्व टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो देन फर्स्ट वी विल फाइंड फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर नेक्स्ट आउटपुट ये मैंने निकाला आप लोग देखिएगा क्यू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक वैसे ही जब हम लोग b वाले b के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ b के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन में a b और x की वैल्यू फीड करेंगे तो जब सेकंड इक्वेशन में a b और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे फीड की है तो मुझे प्लस qb 1 1 मिल गया है ना तो qa 1 और qb 1 जब मैं दोनों को साथ में लिखूंगा qa 1 qa 1 और qb 1 जब मैं ये दोनों को साथ में लिखा तो मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या मिल गया आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जीरो और यहाँ पे क्या मिल गया वन तो मेरी जीरो जीरो के लिए नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई जीरो वन ठीक है आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा ये मैंने लिखा है फर्स्ट में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे ये देखिए ये जब हमने ए और बी की वैल्यू को जीरो जीरो लिया एक्स की वैल्यू को जीरो लिया तो हमें यहाँ पे जीरो वन गए ठीक सेम इसी कैलकुलेशन से हमको ए बी और एक्स की वैल्यू को चेंज कर करके हमें सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड आउट करना है जब पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो ये स्टेट टेबल बन जाएगा ठीक अब जब हमारा स्टेट टेबल कंप्लीट हो जाता है तो बाय यूजिंग दिस स्टेट टेबल वी कैन ड्रॉ द स्टेट डायग्राम ऑल्सो ठीक तो सबसे पहले क्या करना है जितने आपके प्रेजेंट स्टेट आप लोगों को कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जैसे एक दो तीन चार टोटल आप लोगों को चार प्रजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन दिख रहा है लिख दीजिए चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पे जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन जीरो एंड वन वन ये स्टेट्स आप लोग सर्कल को कहीं पे भी बना सकते हैं आगे पीछे है ना कोई मैटर नहीं करता कि आपको सीक्वेंस में ही लेना है क्लियर बात यहाँ तक ना हम जीरो जीरो अगर प्रेजेंट स्टेट है तो जीरो वन भी नेक्स्ट स्टेट हो सकती है वन वन भी नेक्स्ट स्टेट हो सकती है तो हम लोग इसको करते हैं जीरो वन भी नेक्स्ट स्टेट हो सकती है इसकी ठीक और वन वन भी इसकी नेक्स्ट स्टेट हो सकती है मतलब ये भी इसकी नेक्स्ट स्टेट हो सकती है आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे

एक ऑब्लिक लगाते हैं और अब इसके बाद हम लोग इसी पर्टिकुलर कंडीशन में y की वैल्यू चेक करते हैं y की फर्स्ट वैल्यू देखिए जीरो तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो ऑब्लिक जीरो तो के पहले हुई इनपुट x ऑब्लिक के बाद हुई आउटपुट y सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे जब जीरो जीरो से वन वन में मूव किए मतलब आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा इस समय एक्स की वैल्यू क्या है वन है तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे वन ठीक अब इसी समय आउटपुट वाई की वैल्यू क्या है जीरो तो हम यहाँ पे ऑब्लिक लिख देंगे जीरो ठीक तो जैसे ये फर्स्ट कंडीशन के लिए बना है वैसे सेकंड कंडीशन के लिए देखते हैं जीरो वन से हम लोग कहां कहाँ मूव कर सकते हैं तो जब हमारे दोनों वन जीरो में मूवमेंट होंगे तो इसको हम लोग कैसे मैंसन कर सकते हैं जीरो वन से वन जीरो में मतलब ये हो जाएगा और फिर से वन जीरो में तो आप लोगों को दूसरा भी इधर वन जीरो में करना पड़ेगा

इसमें जा सकते हैं ज़ीरो वन में जा सकते हैं एज वेल एज़ ज़ीरो ज़ीरो में जा सकते हैं तो और हम लोग जीरो ज़ीरो में जा सकते हैं जब हम लोग जीरो वन में जाएंगे तो उस समय एक्स इक्वल्स टू जीरो है और वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है और जब हम लोग ज़ीरो ज़ीरो में जाएंगे तो उस समय एक्स इक्ल्स टू वन है और वाई इक्ल्स टू जीरो लास्ट वेन वी आर इन दन वन सो वी कैन मूव जीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो जीरो सो एक ज़ीरो ज़ीरो के लिए ये मैंने बना दिया और दूसरा ज़ीरो के लिए ये बना दिया इस समय एक्स की वैल्यू ज़ीरो y की वैल्यू जीरो इस समय भी x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो बात यहां तक क्लियर सो बाय यूजिंग द स्टेट डायग्राम वी कैन ड्रॉ वी कैन ड्रॉ बाय यूजिंग द स्टेट टेबल वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट डायग्राम लाइक दिस है ना यहाँ पे जीरो जीरो जो स्टेट के मैंने सर्कल्स बनाए इसको आप लोग तो कहीं पे भी बना सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट टेबल देखना है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको ड्रॉ कर लेना है ठीक अगर मैं इसकी पैटर्न को चेंज करता हूँ तो एक दूसरे पैटर्न में भी मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो जीरो यहां पे मैंने लिख दिया जीरो वन यहाँ पे मैंने लिख दिया वन जीरो और यहाँ पे मैंने लिख दिया वन वन है ना मैंने स्टेट को सर्कल को आगे पीछे कर दिया अब देखो जीरो जीरो से मैं कहाँ कहाँ मूव होऊंगा जीरो वन में और वन वन में तो जीरो वन में मतलब यहाँ मूव होऊंगा वन वन में मतलब यहाँ मूव होऊंगा ठीक तो जब ये जीरो वन में मूव हुआ तो उस समय एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो वाई इक्वल्स टू जीरो वन वन में मूव हुआ तो एक्स इक्वल्स टू वन और वाई इक्वल्स टू ज़ीरो क्लियर बात सेकेंड वेन आई एम एन ज़ीरो वन सो वी वी कैन मूव इन टू वन वन एंड वन जीरो एंड वन जीरो तो अगर मैं ज़ीरो वन में हूँ तो मैं वन ज़ीरो में मूव कर सकता हूँ मतलब मैं इसकी तरफ मूव कर सकता हूँ दोनों बार मैं इसी की तरफ मूव कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो बार बार तो 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 है? तीसरे प्रेजेंट स्टेट को देखता हूँ यहाँ पे तो वन जीरो से मैं जीरो वन और जीरो जीरो में मूव कर रहा हूँ सो so, मैं जीरो वन में मूव करना चाहता हूँ तो ये मेरा मूवमेंट हो गया जीरो वन में है ना इस समय x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जीरो है अब जीरो जीरो में मूव करना चाहता हूँ तो ये मूवमेंट हो गया इस समय x की वैल्यू वन है और y की वैल्यू जीरो है लास्ट वेन वी आर इन वन वन सो वी कैन मूव इन जीरो 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 में मूव कर सकते हैं इस समय एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है लास्ट वन वन से हम लोग फिर से जीरो जीरो मूव कर सकते हैं तो एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे ये यह और हमने बना लिया इस समय एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू जीरो स्टेट टेबल से हम लोग एक से ज्यादा एक से ज्यादा स्टेट डायग्राम बना सकते हैं अगर हम लोग स्टेट के सर्कल की पोजिशन को चेंज कर दें ठीक है ये सारे सही है बात क्लियर है सो आई होप आप सभी को मीरे मुले समझ में आ गया होगा कि डिजाइन के थ्रू हम लोग मीरे मोडे मुले के स्टेट डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ठीक थैंक यू सो मच